आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है यार। बाल तो बड़े कर रहा हूँ लेकिन ये संभले नहीं जाते ये। तो अगर आप अपने बालों को बढ़ाते हो, अगर आप अपने हेयर्स को बढ़ाते हो, तो आप ऐसे भी दिख सकते हो और ऐसे भी दिख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस ऑकवर्ड सिचुएशन में आप अपने बालों को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ऑकवर्ड सिचुएशन क्यों? क्योंकि आपके बाल बहुत छोटे भी नहीं है, बहुत बड़े भी नहीं है, तो आप इस बालों को मैनेज कैसे करोगे। मेरा नाम है तीर्थ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज योर हेयर्स। लेट्स गो। तो हमने लाइफ में कभी ना कभी तो सोचा होता है कि बालों को बढ़ाएं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप हार मान लेते हो और बालों को कटवा देते हो, क्योंकि आप अपने हेयर्स को मैनेज नहीं कर पाते। तो बाल बढ़ाना इंपॉर्टेंट क्यों है? उसके तीन कारण है। सबसे पहला कि आपका फेस थोड़ा सिमेट्रिकल दिखता है, आप थोड़े स्मार्ट लगते हो और आप थोड़े हेल्दी लगते हो क्योंकि आपके बाल बड़े हैं, तो हेयर्स इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसी चार टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप अपने बालों को मैनेज कर सकते हो, और मैंने इस टिप्स को यूज करके यहाँ तक आप देख सकते हो इस दोनों फोटो में इतना डिफरेंस पाया है। तो इस दोनों फोटो में हेयर की लेंथ सेम है लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों फोटो में। तो इस वीडियो में चार टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहली टिप है, वो है आपके साइड को अच्छे से ट्रिम करके रखो, अच्छे से मैनेज रखो, एक स्लोप देके रखो। आपको कुछ ऐसा नहीं दिखना है, आपको अपने साइड्स को ट्रिम करके रखना है जिससे आपका फेस थोड़ा सिमेट्रिकल दिखे, जिससे आपको लंबे बाल को मैनेज करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। अब दूसरी बात करता है कि आप अगर लंबे बाल रखना चाहते हैं तो आपको ज्यादा वॉश नहीं करना और ना ही कम वॉश करना है। आपको वीक में प्रॉपरली 2 टाइम वॉश करना है अपने हेयर्स को। अगर आप ज्यादा वॉश करते हो तो वो रूखे हो जाएंगे, अंदर का ऑयल चला जाएगा और मैनेज करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और उसी तरह आप कम वॉश करोगे तो आपके बाल जो होंगे वो बहुत ज्यादा कर्ली होने लगेंगे, जिससे आपको सिर्फ दो टाइम वीक में वॉश करना है और आपके बाल कुछ लगेंगे ऐसे। तो अब बात करते हैं तीसरी टॉपिक के बारे में। तीसरा टॉपिक है ऑयलिंग के बारे में। अगर आप अपने बालों में तेल डालते हो तो आपको पूरे दिन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑयलिंग के बाद आप 30 मिनट के लिए रख सकते हैं और उसके बाद वॉश कर दीजिए, क्योंकि ऑयल अगर आपका पूरा दिन रहेगा तो आपके बाल मैनेज करने इम्पॉसिबल हो जाएंगे। तो अगर आप अपने बालों में तेल डालते हो तो आपको सिर्फ 30 मिनट के लिए रखना है और फिर वॉश कर देना है। 24 घंटे ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आपको 30 मिनट में मिल जाता है, तो 30 मिनट रखिए, आपके बालों के लिए भी अच्छा है। चौथी बात करता है, वो है कि आप अगर लंबे बाल रखते हो तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है, आपके बाल कर्ली होने लगते। तो कर्ली बालों को मैनेज करने के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ, वो है कि आप अगर इस साइड पे बाल रखते हो तो अगर आपके बाल कर्ली होने लगे तो उसको ऑपोजिट साइड में कॉम्ब कर दीजिए कुछ इस तरह, जिससे आपके बाल जो कर्व हुए रखे हैं उसको थोड़ी स्ट्रेटनेस मिल जाएगी और आपके बाल अच्छे से मैनेज हो सकेंगे। तो इस ट्रिक को यूज करके आप अपने बालों को ज्यादा स्ट्रेट रख सकते हो। इस वीडियो में हमने चार बात की, आपको अपने बालों को अच्छे से साइड पे ट्रिम रखना है, दूसरी आपको 2 टाइम्स वॉश करना है अपने हेयर्स को, तीसरी आपको ज्यादा ऑयलिंग नहीं करनी, सिर्फ 30 मिनट के लिए रखना है ऑयलिंग करके और फिर वॉश कर देना, और चौथी अपने बालों को फ्लिप करते रहना है। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने बताया कि अगर आप लंबे बाल रखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो और इस ऑकवर्ड सिचुएशन में आप कैसे बच सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। जो जय हिंद।